वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें दिया गया है cos 2x minus 30 डिग्री इज इक्वल टू 0 है, तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। सो हम लिख सकते हैं cos 2x minus 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, और 2x minus 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, और 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 90 प्लस 30 मतलब कि 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो x का वैल्यू होगा 60 डिग्री। थैंक यू।